जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का LTV भक्ति चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको राधा अष्टमी पर बताने वाले हैं राधा जी के दिव्य और चमत्कारिक मंत्र, जिसके जाप करने से श्री राधा रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इससे पहले आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव यानी कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद उनकी प्रेयसी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाने का वक्त आ गया है। आपको बताएं, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन बरसाने में वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वो थी श्री कृष्ण की प्रिया श्री राधा रानी। जी हाँ, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम पहला मंत्र बताते हैं, षडक्षर राधा मंत्र जिसे कहते हैं। मंत्र है श्री राधाए स्वाहा। यह मंत्र धर्म अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। राधा अष्टमी के दिन अगर 108 बार जप किया जाए तो राधा रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है अगला मंत्र है सप्ताक्षर राधा मंत्र, इसको कहते हैं ओम ह्रीम राधिकाए नमः। दूसरा जो है ओम ह्रीम श्री राधाए स्वाहा। इस मंत्र को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। राधा अष्टमी के दिन इसका जप करने से आपको कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा बताऊं अष्टाक्षर राधा मंत्र ओम ह्रीम श्री राधिकाए नमः। ओम ह्रीम श्री राधिकाए नमः। इस मंत्र को सर्व कार्य सिद्धि मंत्र बताया गया है। जी हाँ, इस मंत्र का 16 लाख बार जप करने से भक्तों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको बताऊं भगवान नारायण द्वारा श्री राधा की स्तुति की गई थी। क्या है, नमस्ते परमेशानी रास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। रास मंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय रासेश्वरी, आपको नमस्कार है। तो ये जितने भी मंत्र हैं, आप राधा अष्टमी के दिन इस मंत्र को जाप करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और राधा रानी की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं पुराणों में जो है राधा रानी के व्रत की महिमा के भी बारे में बताया गया है, यानी राधा अष्टमी व्रत के बारे में बता रही हूँ। इसमें बताया गया है कि राधा अष्टमी पर व्रत करने से आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत करने से सभी तीर्थों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति राधा राधा कहता है, राधा के नाम में जिसकी निष्ठा है, जो राधा राधा का उच्चारण करता है, उसे वृंदावन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार राधा जी से सर्व तीर्थमयी और सर्वत्र व्याप्त है। जी हाँ, राधा जी का नाम जपने से विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा को जानकर स्वयं नारद जी भी राधा अष्टमी के दिन व्रत करते थे और विधि विधान से पूजन करते थे। पुराणों में बताया गया कि जो व्यक्ति इस लोक में राधा जन्माष्टमी के व्रत की कथा श्रवण करता है, वह सुखी धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर राधा अष्टमी की कथा आपने नहीं सुनी है, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप कथा जरूर सुनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा राधे राधे।